आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, ठीक है। हमने लाइफ साइकिल की बात की, इसमें मेल स्पोरोफाइट्स और फीमेल स्पोरोफाइट्स थे और उनका फिर आगे चल के क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जायगोट बनता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है। तो आज हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म क्या है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, स्टूडेंट्स आज हेडिंग डाले क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो हम आज क्लासिफिकेशन देखेंगे चैम्बरलेन क्लासिफिकेशन, ठीक है। चैम्बरलेन क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं तो चैम्बरलेन ने सबसे पहले क्या दिया था, जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, जो ऑथेंटिक माना जाता है, चैम्बरलेन क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इस क्लासिफिकेशन में क्या था, इसने जिम्नोस्पर्म को दो क्लास में क्या किया, टू क्लास में डिवाइड किया, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, इसको टू क्लास में बांटा चैम्बरलेन ने। सबसे पहला था साइकेडोफाइटा, क्या था, साइकेडोफाइटा, ठीक है, और एक क्या था, कोनीफेरोफाइटा, कोनीफेरोफाइटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म की स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं तो उसको टू क्लास में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट है साइकेडोफाइटा और सेकंड है कोनीफेरोफाइटा। तो जो साइकेडोफाइटा होता है इसमें जितने भी लोअर जिम्नोस्पर्म है ये सब किस में आते हैं, साइकेडोफाइटा में। जितने भी लोअर जिम्नोस्पर्म्स है वो सब किस में आएंगे, साइकेडोफाइटा में, ठीक है। तो जो चैम्बरलेन था उसने क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको टू क्लास में डिवाइड किया, साइकेडोफाइटा और कोनीफेरोफाइटा। तो जो लोअर जितने भी जिम्नोस्पर्म है वो सब किस में आते हैं, साइकेडोफाइटा में, किस में आएंगे, साइकेडोफाइटा में। अब जो साइकेडोफाइटा के प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ये बहुत छोटे प्लांट्स होंगे, स्मॉल प्लांट्स होंगे, और इनका जो स्टेम होगा वो क्या होगा, अनब्रांच्ड स्टेम, जो स्टेम होगा इनका वो क्या होगा, अनब्रांच्ड स्टेम, ठीक है। मींस क्या है, असाकित तना होगा इसका। जो जितने भी साइकेडोफाइटा के प्लांट्स है वो क्या होंगे, छोटे प्लांट्स होंगे, और इनका जो स्टेम होगा वो क्या होगा, अनब्रांच्ड होगा, मींस असाकित क्या होगा, इसका तना होगा, ठीक है। और अगर वुड की बात करते हैं तो वुड जो होगी साइकेडोफाइटा में वो होगी मोनोजाइलिक, मोनोजाइलिक मींस वुड क्या होगी, सॉफ्ट वुड क्या होगी, यहाँ पे सॉफ्ट होगी, ठीक है। तो जो साइकेडोफाइटा है जितने भी लोअर जिम्नोस्पर्म है वो किस में आएंगे, साइकेडोफाइटा में। जो भी लोअर जिम्नोस्पर्म्स है वो सब किस में आएंगे, साइकेडोफाइटा में। इसमें क्या होगा, प्लांट स्मॉल होंगे और क्या होंगे, स्टेम क्या होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, मतलब असाकित क्या होगा, इसमें तना होगा, और इसके जो वुड होंगे वो क्या होंगे, मोनोजाइलिक होंगे, ठीक है। मोनोजाइलिक मतलब वो क्या होंगे, वुड सॉफ्ट होगा। अब इसके फोलियज अगर लीव की बात करते हैं, जो फोलियज लीव होगी साइकेडोफाइटा में, जो फोलियज लीव होगी वो क्या होगी, कंपाउंड, कंपाउंड होगी, कंपाउंड मींस संयुक्त और लार्ज होगी, कंपाउंड और लार्ज, बड़ी होगी और क्या होगी, संयुक्त होगी, कंपाउंड होगी और लार्ज होगी। तो साइकेडोफाइटा में क्या क्या फीचर होते हैं कि जितने भी लोअर जिम्नोस्पर्म्स हैं, जितने भी लोअर जिम्नोस्पर्म्स हैं वो किस में आएंगे, साइकेडोफाइटा में, ठीक है। और ये क्या होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं, स्मॉलर प्लांट होते हैं, इनका जो तना होता है, स्टेम होता है वो क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है, असाकित होता है, और इनमें जो वुड पाए जाते हैं वो मोनोजाइलिक होते हैं, मीन्स वो सॉफ्ट होते हैं वुड, और फोलियज लीव इसमें क्या होती है, कंपाउंड होती है, संयुक्त होती है और बड़ी होती है, लार्ज होती है, ठीक है। अब अगर हम कोनीफेरोफाइटा की बात करते हैं तो कोनीफेरोफाइटा क्या होता है, इसमें जितने भी हायर और एडवांस जिम्नोस्पर्म है, जो भी हायर और एडवांस जितने भी जिम्नोस्पर्म है वो सब किस में आते हैं, कोनीफेरोफाइटा में। जितने भी हायर और एडवांस जो जिम्नोस्पर्म है वो सब किस में आते हैं, कोनीफेरोफाइटा में। इसमें क्या होते हैं,
साइकेडोफाइटम में प्लांट स्मॉल थे, इसमें क्या होंगे लार्ज प्लांट्स, ठीक है। जो प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे इसमें बड़े होंगे, प्लांट क्या होंगे इसमें लार्ज होंगे, और स्टेम जो पाया जाएगा इसमें ब्रांच्ड होगा, ब्रांच्ड स्टेम, इसमें जो स्टेम पाया जाएगा वो क्या होगा ब्रांच्ड स्टेम, ठीक है। मीन्स तना क्या होगा इसमें साकेत होगा, ठीक है। और जो वुड होती है इसमें वो क्या होगी पिक्नोजैलिक, जो वुड होगी कोनिफेरोफाइटा में वो क्या होगी पिक्नोजैलिक, पिक्नोजैलिक वुड, ठीक है। साइकेडोफाइटा में कौन सी वुड मिल रही थी मोनोजैलिक, और कोनिफेरोफाइटा में कौन सी वुड मिलेगी पिक्नोजैलिक। और जो लीव्स होगी इसमें वो क्या होगी सिंपल होगी और नीडल टाइप होगी, जो लीव्स होगी इसमें कोनिफेरोफाइटा में वो सिंपल होगी और नीडल होगी, मीन्स सुई की तरह क्या होगी वो उनकी शेप होगी, किसकी लीव्स की, ठीक है। अब जो नीडल लाइक लीव्स होती है इसका एग्जांपल क्या होता है यहाँ पे पाइनस, एग्जांपल क्या होगा पाइनस, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म की अगर बात करते हैं इसको हम क्या करते हैं टू क्लास में डिवाइड करते हैं, एक होता है साइकेडोफाइटा एक होता है कोनिफेरोफाइटा। तो जो साइकेडोफाइटा है जितने भी लोअर जिम्नोस्पर्म है वो सब किस में आएंगे साइकेडोफाइटा में, जितने भी लोअर जिम्नोस्पर्म वो सब किस में आएंगे साइकेडोफाइटा में, ठीक है। अब जो साइकेडोफाइटा होते हैं इसमें जो भी स्मॉल प्लांट्स होंगे छोटे प्लांट्स होंगे छोटे पादप होंगे, और इसमें क्या रहेगा अनब्रांच स्टेम, मतलब ऐसा की तना किस में रहेगा साइकेडोफाइटा प्लांट में। और इसमें जो वुड होंगे वो क्या होंगे मोनोजैलिक, मीन्स वुड क्या होंगे सॉफ्ट होंगे किसमें साइकेडोफाइटा में। और फोलियज लीव जो होगी वो क्या होगी कंपाउंड होगी संयुक्त होगी और लार्ज मतलब बड़ी होगी, ठीक है, किसमें साइकेडोफाइटा में। अब कोनिफेरोफाइटा की अगर हम बात करते हैं तो कोनिफेरोफाइटा में जितने भी हायर एडवांस जिम्नोस्पर्म है वो सब किसमें आते हैं कोनिफेरोफाइटा में, ठीक है। अब ये लार्ज प्लांट होते हैं, प्लांट क्या होंगे बड़े होंगे, स्टेम इसमें क्या होता है ब्रांच्ड होता है, मीन्स तना इसमें क्या होगा साकित होगा, और वुड क्या होगी इसमें पिक्नोजैलिक, ठीक है। साइकेडोफाइटा में वुड क्या थी मोनोजैलिक थी, लेकिन कोनिफेरोफाइटा में वुड क्या होती है पिक्नोजैलिक, ठीक है। और इसमें जो लीव्स होती है फोलियज लीव वो सिंपल होती है और नीडल लाइक होती है, मीन्स क्या होगी सिंपल होगी और सुई के शेप के समान होगी, एग्जांपल इसका क्या होता है पाइनस, ठीक है। अब एक एक करके हम लेते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म की बात करें हमने इसको टू क्लास में डिवाइड किया साइकेडोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा, ठीक है। अब हम लेते हैं साइकेडोफाइटा को अलग से, तो साइकेडोफाइटा को अगर अलग से लेंगे तो उसको थ्री ऑर्डर में क्या किया गया है डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसको थ्री ऑर्डर में क्या किया गया है डिवाइड, साइकेडोफाइटा लेता हूं मैं साइकेडोफाइटा, अब साइकेडोफाइटा को भी थ्री ऑर्डर में क्या किया गया है डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो थ्री ऑर्डर कौन कौन से हैं, एक होता है साइकेडोफिलिकल्स, पहला होता है साइकेडोफिलिकल्स, ठीक है साइकेडोफिलिकल्स, सेकंड होता है बेनिटिटल्स, सेकंड होता है बेनिटिटल्स, थर्ड होता है साइकेडेल्स, थर्ड क्या होगा साइकेडेल्स, ठीक है। तो जो साइकेडोफाइटा है इसको थ्री ऑर्डर में क्या किया गया है डिवाइड किया गया है साइकेडोफिलिकल्स बेनिटिटल्स और साइकेडेल्स, ठीक है। साइकेडोफिलिकल्स बेनिटिटल्स और साइकेडेल्स थ्री ऑर्डर में इसको क्या किया गया डिवाइड किया गया, ठीक है। अब जो साइकेडोफिलिकल्स होता है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं जितने भी इस प्लांट के मेंबर होते हैं या इस ऑर्डर के मेंबर होते हैं वो सब क्या है एक्सटिंक्ट है, वो सब क्या हो चुके हैं विलुप्त हो चुके हैं, वो प्लांट सारे क्या हो चुके हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइकेडोफिलिकल्स की, तो साइकेडोफिलिकल्स में जितने भी इस ऑर्डर में प्लांट आते हैं वो सब क्या हो चुके हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब वो प्लांट क्या हो चुके हैं विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। ऑल मेंबर इसमें क्या हो चुके हैं एक्सटिंक्ट, इस ऑर्डर के जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या हो चुके हैं एक्सटिंक्ट, मींस क्या हो चुके हैं विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है, क्या हो चुके हैं विलुप्त। मैं पहले इसकी बात कर रहा हूँ साइकेडोफिलिकल्स की, एक बार इनको छोड़ दो बेनिटाइटल्स और साइकेडेल्स को। तो सबसे पहले हम साइकेडोफिलिकल्स की बात करें तो इसमें जितने भी इस ऑर्डर में मेंबर्स है प्लांट मेंबर्स है ऑल मेंबर्स वो क्या हो चुके हैं इसमें एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब वो प्लांट क्या हो चुके हैं विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं अगर विलुप्त हो चुके हैं तो ये क्या है फोसिल्स है, ठीक है। फोसिल्स मतलब ये क्या है जीवाश्म है, ये क्या है जीवाश्म, ये क्या है जीवाश्म है, क्योंकि इसमें सारे मेंबर क्या हो चुके हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं। और इसमें जितने भी
इस ऑर्डर के प्लांट्स हैं वो क्या है, फोसिल्स, मीन्स क्या है, ये जीवाश्म है, ठीक है। और ये जो साइकेडोफिलिकल्स होते हैं ये कनेक्टिव क्लिंग होता है किस किस के बीच का, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बीच का, ठीक है। ये जो साइकेडोफिल्स होता है ये कनेक्टिंग लिंक होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट्स, बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। मीन्स क्या हुआ इसका कि ये कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, योजक कड़ी, ठीक है। तो जो साइकेटोफिलिक्स होते हैं, साइकेटोफिलिकल्स होते हैं, वो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के बीच की क्या है, योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक है वो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के बीच का, ठीक है। तभी इनको हम क्या बोलते हैं, सीड फंस। तभी अब जब ये कनेक्टिंग लिंक है, ये योजक कड़ी है किस किस के बीच की, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बीच की, तब इनको हम क्या बोलते हैं, सीड फंस, ठीक है। तभी इनको हम क्या बोलेंगे, सीड फंस। तो इट्स कॉल्ड सीड फंस, इनको हम क्या बोलेंगे, सीड फंस, ठीक है। तो हम सबसे पहले साइकेडोफिलिकल सॉर्ट की बात करें तो इसमें जितने भी प्लांट आते हैं वो सब क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। फॉसिल्स है वो क्या, जीवाश्म है, ठीक है। और ये कनेक्टिंग लिंक होता है किस किस के बीच का, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के बीच का, ठीक है। तभी इनको हम क्या बोलेंगे, सीड फंस, तभी इनको हम क्या बोलेंगे, सीड फंस। तो इसमें जो फॉसिल प्लांट होता है उसका एग्जाम्पल क्या होगा, जो फॉसिल प्लांट होता है इसमें साइकेडोफिलिकल्स में, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जो फॉसिल प्लांट होगा इसको एग्जाम्पल क्या होगा, लिग्नोटेरिस, लाइजिनोटेरिस, लाइजिनोटेरिस एक प्लांट होता है जो इसमें क्या है, फॉसिल प्लांट्स है किसमें, साइकेडोफिलिकल्स ऑर्डर में। लाइजिनोटेरिस क्या है, फॉसिल प्लांट, जीवाश्म प्लांट है, कौन, लाइजिनोटेरिस। इस ये जो प्लांट होते हैं साइकेडोफिलिकल्स में, ये क्या होते हैं, इसमें जो स्टेम पाई जाती है इनके प्लांट में वो क्या होगी, वीक होगी, और वो क्या होंगे, सिलेंडर लाइक और वीक स्टेम पाई जाएगी किसमें, साइकेडोफिलिकल्स में। और जो लीफ ट्रसेस होते हैं, जो साइकेडोफिलिकल में लीफ ट्रसेस होंगे, जो लीफ ट्रसेस मिलते हैं यहाँ पे, वो कैसे मिलेंगे हमें, वो लार्ज मिलेंगे, लीफ ट्रसेस वर लार्ज किसमें मिलेंगे, साइकेडोफिलिकल्स में। और वुड की अगर हम बात करते हैं साइकेडोफिलिकल्स में, तो वुड क्या होगी इसमें, मोनोजाइलिक, मीन्स सॉफ्ट वुड पाई जाएगी किसमें, साइकेडोफिलिकल ऑर्डर में, ठीक है। क्या पाई जाएगी, सॉफ्ट वुड। और इसमें जो ओव्यूल होता है वो सराउंडेड रहता है किसके थ्रू, बाय कैपुलर स्ट्रक्चर के थ्रू। जो इसमें ओव्यूल होता है वो सराउंडेड रहता है किसके थ्रू, कैपुलर स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल इज सराउंडेड बाय कैपुलर लाइक स्ट्रक्चर, बाय कैपुलर लाइक स्ट्रक्चर। तो जो साइकेडोफिलिकल्स होता है इसमें जो ओव्यूल होगा वो सराउंड रहता है किसके थ्रू, बाय कैपुलर लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू। तो वुड इसमें क्या हुआ, मोनोजाइलिक हुआ, मीन्स वुड क्या हुआ इसमें, सॉफ्ट हुआ। जो लीप ट्रसेज है वो क्या रहेंगे इसमें, लार्ज रहेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहला ऑर्डर है कौन सा, साइकेडोफिलिकल्स। अब इसी में अगर हम सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं तो बेनिटिटल्स, सेकेंड ऑर्डर क्या होगा, बेनिटिटल्स। अगर बेनिटिटल्स की बात करते हैं हम, बेनी टिटल्स जो सेकंड ऑर्डर है इसमें, बेनी टिटल्स, ठीक है। बेनी टिटल्स के इस ऑर्डर के प्लांट भी सारे क्या हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मींस विलुप्त हो चुके हैं। इसमें भी जितने प्लांट हैं वो सब क्या हो चुके हैं, बेनी टिटल्स में भी एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो चुके हैं। हम सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं साइकेडोफाइटा के, बेनी टिटल्स, ठीक है। तो इसमें भी जितने प्लांट्स हैं वो सब क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ये भी क्या है, फॉसिल प्लांट है, मींस जीवाश्म है। इस ऑर्डर के भी सारे प्लांट क्या है, फॉसिल प्लांट्स हैं, मींस क्या है, वो जीवाश्म है। इसमें जो फॉसिल प्लांट्स होते हैं इसका एग्जांपल है विलियमसोनिया। इस जो बेनिटिटल्स है इसका जो फॉसिल प्लांट होता है इसका एग्जाम्पल होता है विलियम सोनिया, विलियम सोनिया, ठीक है, विलियम सोनिया। ये पूछा जाता है एग्जाम में स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बेनिटिटल्स है ये भी क्या है, एक्सटिंक्ट है, मींस इसके ऑर्डर के सारे प्लांट क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं,
फॉसिल प्लांट्स है, मतलब वो क्या है, जीवाश्म है। और इसमें जो फॉसिल प्लांट का एग्जाम्पल है, जो फॉसिल प्लांट का एग्जाम्पल है वो क्या है, विलियम सोनिया एक फॉसिल प्लांट है जो बेनिटिटल्स ग्रुप में आता है। विलियम सोनिया एक फॉसिल प्लांट है जो बेनिटिटल्स ग्रुप में आता है। और इसकी जो डिस्कवरी है वो एक इंडियन साइंटिस्ट ने की थी, किन्होंने की थी, प्रोफेसर बीरबल साहनी। ठीक है, एक इंडियन साइंटिस्ट थे प्रोफेसर बीरबल साहनी। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोफेसर बीरबल साहनी ने किसकी डिस्कवरी की थी, एक फॉसिल प्लांट था विलियम सोनिया, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, विलियम सोनिया की, प्रोफेसर बीरबल साहनी ने। प्रोफेसर बीरबल साहनी ने विलियम सोनिया जो फॉसिल प्लांट था इसकी डिस्कवरी किसने की थी, प्रोफेसर बीरबल साहनी ने। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो बेनिटिटल्स के जितने भी प्लांट है वो सब क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, फॉसिल प्लांट्स है। ठीक है, और जो फॉसिल प्लांट है इसका एग्जाम्पल होता है विलियम सोनिया, जो जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, प्रोफेसर बीरबल साहनी ने। ठीक है, और ये प्लांट थे तो ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए थे, ये ओरिजिनेट हुए थे मीजोजोइक एरा से। ठीक है, ये जो प्लांट्स थे ये ओरिजिनेट हुए थे कहाँ से, मीजोजोइक एरा से। ये जो प्लांट थे ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, मीजोजोइक एरा से। ठीक है, और ये डोमिनेंट कब हुए, एंड डोमिनेंट इन जुरासिक पीरियड में। और ये कब डोमिनेंट हुए, जुरासिक पीरियड में। ठीक है, ये कब डोमिनेंट हुए, जुरासिक पीरियड में। और ये डिक्लाइन कब हुए, एंड डिक्लाइन इन अपर क्रिटिशियस पीरियड में। ठीक है, क्रिटिशियस पीरियड में। ठीक है, तो ये जो बेनिटिटल्स है ये ओरिजिनेट हुए थे कहाँ, कौन से एरा में, मीजोजोइक एरा में, कौन से एरा में, मीजोजोइक एरा में। ये भी पूछा जाता है कि जो बेनिटिटल्स के जो ऑर्डर के जो प्लांट है वो मीजोजोइक एरा में क्या हुए थे, ओरिजिनेट हुए थे। और वो डोमिनेंट कहाँ थे, जुरासिक पीरियड में। ठीक है, वो डोमिनेंट थे जुरासिक पीरियड में। और वो डिक्लाइन कब हुए थे, अपर क्रिटिशियस पीरियड में। वो कब डिक्लाइन हुए थे, अपर क्रिटिशियस पीरियड में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं तो इसको टू क्लास में हमने क्या किया, डिवाइड किया है। एक है साइकेडोफाइटा, एक होता है कोनिफेरोफाइटा, एक होता है कोनिफेरोफाइटा। अब साइकेडोफाइटा को हमने भी किस में डिवाइड किया, थ्री ऑर्डर्स में। पहला ऑर्डर क्या था, साइकेडोफिलिकल्स। सेकेंड क्या था, बेनिटाइटल्स। ठीक है, और जो थर्ड होता है वो क्या होता है, साइकेडल्स। तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो थर्ड वाला है साइकेडल्स उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बेनिटिटल्स और साइकेडोफिलिकल्स दो ऑर्डर हमने देखे, नेक्स्ट कल देखेंगे।